नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। लोकसभा के अंदर आज NIA बिल पेश हुआ, उस पर बहस चल रही थी। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह, जो कि पहले मुंबई पुलिस में ऑफिसर रह चुके हैं, वो बहस कर रहे थे, बोल रहे थे बिल के ऊपर। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन पर एक सवाल किया और उनके बयान के बीच में असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलने लगे। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी बात रखी बीच में, तो अमित शाह को ये बात ज़रा न भाई, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी वो नेता हैं जो अपनी बात को बेबाकी के साथ रखते हैं, किसी से डरते और घबराते नहीं हैं। अमित शाह उठ गए और कहने लगे कि ओवैसी साहब, ज़रा हमें भी सुनने की आदत डाल लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम किसी से डरते नहीं हैं। बेशक यही बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, लोकसभा हो या कोई भी नेता हो, मुल्क का वज़ीर आज़म हो, मुख्यमंत्री हो, वो अपनी बात को बेबाकी के साथ रखते हैं। आइए असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो बयान दिखाते हैं आपको, जो आज लोकसभा के अंदर हुआ, और फिर वो भी दिखाएंगे आपको जो उन्होंने अमित शाह से कहा और अमित शाह ने उनसे कहा। आइए वो वीडियो देखते हैं। ये वो लोकसभा का वीडियो है जिसमें आज बहस हुई बहुत ज़्यादा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बेबाकी से अपनी बात को रखा, ये इस वीडियो को देखते हैं। No. This cannot be taken. Let him please continue. You may please continue. Yes. Please continue, Satyavan. I know. राजा साहब बोल रहे थे, क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी ऐसी सारी बातें की जो रूल्स के हिसाब से नहीं, हम आराम से सुनते रहे, सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब। दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो को, किस तरह से एक शेर की गुर्राहट से इनके अंदर बौखलाहट आ गई है, किस तरह से बौखला गए हैं लोग और बौखला कर बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी बात को सुनना पड़ेगा। अरे वो शेर है, अपनी बात को बेबाकी से रखता है, किसी से डरता और घबराता नहीं है। अपनी बात उसने आज तक इसी तरह रखी और वो इंशाल्लाह इसी तरह से बेबाकी से अपनी आवाज़ को रखेंगे। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के फ़ैन हैं, इस वीडियो को दिल से लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।